कर देना अगर आ रही है, सब सही है, साफ है, वेदांत और कौन कह रहे थे? जयेंद्र आया, गौरव आया। अच्छा अच्छा, चलो देखो देखो, हमने मैग्नेटिज्म में ये देखा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने अक्रॉस क्या क्रिएट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से, ठीक है। और इसका एक्सपेरिमेंट ऐसा किया था कि एक मूविंग चार्ज है, अगर उसको 20 मीटर दिया है तो वो क्या होगा? उसका डिफ्लेक्शन होगा। तो फिर हमने बायो सावर्ट लॉ सीखा और इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है, कौन से रूल से? राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल। तो बायो सावर्ट ने क्या बोला था, छोटे से पार्ट जिसकी लेंथ dl हो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू dl क्रॉस r अपॉन। ये कौन सा रूल है? बायो सावर्ट। ये क्या है? बायो सावर्ट। डायरेक्शन कैसे देंगे? dl क्रॉस r से पर डायरेक्शन बता देंगे। ओके, फिर इसका अपन ने किया एक फाइनाइट वायर के लिए, फाइनाइट वायर में करंट आई है और ये पॉइंट P है, यहाँ पे ये एंगल थीटा 1 है, नीचे की तरफ ये एंड A है, ये एंड B है, ये एंगल थीटा 2 है। तो बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d, वेयर d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम दिस वायर, स्ट्रेट वायर। ओके, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d into साइन थीटा 1 प्लस डायरेक्शन किधर होगी? इस वाले पॉइंट पे, इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर या इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगी। अच्छा, इधर सारे पॉइंट्स पे डायरेक्शन किधर होगी? अंदर की तरफ। इधर लेफ्ट ऑफ किधर होगी? बाहर की तरफ। कहां होगी? बाहर की तरफ। मैंने बताया था क्या, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर इन नेचर। कैसे होती है? सर्कुलर होती है। तो इक्वल डिस्टेंस पे देखो, इक्वल डिस्टेंस पे क्या होगा? थीटा 1 थीटा 2 सेम, तो इसको घुमा दो सब पे वैल्यू एक ही आएगी। तो देखा सर्कुलर इन शेप, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसी है? सर्कुलर इन शेप। फिर सेमी इनफिनाइट कर लिया तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी? 90। इसकी वैल्यू 0 कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी। अच्छा, और सिर्फ और सिर्फ इनफिनाइट की हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये इजी है, रट गया आपको? अच्छा, फिर हमने फिर और बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे, कुछ स्क्वायर वाले किए थे, वायर जा रही है, और फिर लास्ट लास्ट में अपन ने इक्विलेटरल ट्रायंगल किया, एक एंगल बाइसेक्टर पे प्रॉब्लम किया, फिर एक हमने क्या किया था, पॉलीगॉन, एन साइडेड पॉलीगॉन, एन साइडेड पॉलीगॉन भी याद है? अच्छा, फिर वो एन साइडेड पॉलीगॉन को अगर एन अपन साइड जो है इन्फिनिटी 10 करा देते हैं तो क्या बन जाता है? वो सर्कल। सर्कल का क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय 2 आर। व्हाट इज आर रेडियस ऑफ सर्कल? ठीक है, ये तो हो गया सेंटर पे, एक सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अच्छा, फिर लास्ट में अपन ने एक अपने से मिस्टेक हुई थी, जिसमें अपन ने क्या कर रहे थे, एक सर्कल कर रहे थे और सर्कल के यहाँ पे एक्सिस पे अपन ये सेंटर है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया था डीबी की वैल्यू अपन ने सही निकाली थी, तो इसकी जो डीबी है वो कितनी आई थी? यहाँ पे आई थी। अच्छा, फिर इसका क्या लिया था अपन ने, एंगल लिया था, यहाँ पे थीटा या 90 माइनस थीटा था, और फिर यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो थी डीबी साइन थीटा हो गई थी, ठीक है। और फिर इसको इंटीग्रेट किया था, ये आर था, यहाँ पे ये स्मॉल आर था, ये थीटा था, ये 90 था और ये 90 माइनस थीटा था, तो यहाँ से डीबी की वैल्यू आई थी, फिर इसको इंटीग्रेट किया था, ठीक है। सब कुछ इंटीग्रेशन सही था, बस एक ये आर कैपिटल आर बाय स्मॉल आर नीचे क्या हो जाता है? क्यूब हो जाता है। नीचे क्या हो जाता है? आर क्यूब हो जाएगा। और फिर इंटीग्रेशन किया था, क्या वैल्यू आएगी? कौन बताएगा? हाँ भैया, चलिए भैया, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर
अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर कितना 3/2। ये रहे। अच्छा इसके अंदर अपन आप अगर x को 0 डालोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, सर्कल का सेंटर आ जाएगा और उस पे वैल्यू कितनी आती है जो ये है। ये याद है क्या पिछली क्लास का? तो हमने पिछली क्लास में यहाँ तक कर रखा है। और कुछ प्रॉब्लम भी देखे थे फिर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के, ठीक है। अब इसकी थोड़ी डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं, आपको डायरेक्शन समझा देते हैं कि जो सर्कुलर वायर होती है, देखो इसमें मेन क्या है ना, जो मैंने बताया यहाँ पे ये बी रहता, यहाँ पे क्या रहता है, ये बी रहता। एक इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग के हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होगा वर्टिकल लाइन। बट क्या होगा, सेम नीचे वाले पार्ट का भी यहाँ पे तरफ आएगा, वो क्या कर रहे हो, वर्टिकल पार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ऐड क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पर। तो जो भी सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब इसकी डायरेक्शंस कैसे देते हैं, ध्यान से सुनो। डायरेक्शन ऑफ बी किसके लिए, सर्कुलर हो गया अभी सही, सॉरी हो गया। तो अब अपन देखते हैं डायरेक्शन ऑफ बी, बी का डायरेक्शन क्या है फॉर सर्कुलर वायर। एक सर्कुलर वायर है उस पे अपने को बी का डायरेक्शन बताना है। देखो जरा एकदम सिंपल है, ये सर्कुलर वायर करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा, तो क्या हो जाएगा इसके आगे बताना है। यहाँ पे ये सर्कल है मतलब ये सर्कुलर वायर है, इसके आगे किधर होगा, कहाँ की तरफ होगा, किधर की तरफ, आउटसाइड। कैसे करते हैं, आपको ये आपके हैंड जो है उसको क्लॉकवाइज, सॉरी ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ करंट के डायरेक्शन को, थंब की तरह रहा बाहर की तरफ। तो जब सर्कुलर वायर, कौन सी वायर, सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर में ये राइट हैंड थंब रूल नहीं है, बस ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ तो ये डायरेक्शन, ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी है। तो इधर ये सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर में भी होगा, सेंटर की पे भी कहां पे होगा, बाहर की तरफ। यहाँ पे पॉइंट मिला उधर भी कहां होगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट आई फ्लो कर रहा है, दी मैग्नेट, सॉरी दी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ दी प्लेन, आउट ऑफ दी प्लेन, इस वाले केस में कहां पे है, आउट ऑफ दी प्लेन। अच्छा ये देखो जरा, अगर ऐसा ऐसा घुमाएं तो, ऐसा घुमाएं तो ये कहां पे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है, बी इज इनसाइड दी प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा अब मजे की बात है, अब इसमें देखो बेटा एकदम सिंपल सी बात है, करंट ऐसे घूम रहा है, कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो आपको कहां पे नजर आएगा, आपको यहां नजर आएगा कि अंदर की तरफ, अंदर की तरफ की बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां नजर आएगा, अंदर की तरफ। तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है वहां मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, अंदर। बट इसको मैं पीछे से देख, पीछे से देखू तो देखो आपको नजर आ रहा है ये किधर है, इसके सेंटर की तरफ। मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे कहां पे नजर आएगा, मेरी तरफ, समझ में आ रहा है क्या। अरे कहां से दिख रही है मैटर करता है ना, ऐसी चीज घूम रही है। अब मुझे लग रहा है मैं इसको कैसे घुमा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मेरे रिस्पेक्ट में, देखो मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, आपको क्या नजर आ रहा होगा, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन जो है ये अंदर की तरफ होगी, जो पीछे बैठा उसको भी
से नजर आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ग्राफ है, ग्राफ इसका कैसा आएगा, हाईएस्ट कहां पे होता है, सेंटर की तरफ, और उसके बाद में क्या होता है, वो फॉलो करता है, ठीक है। सो ये लिख लो, दो तीन पॉइंट्स लिखा देते हैं। दो सेमी बन के ये बन जाएगा क्या? Yes. तो
तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैं लिख रहा हूँ म्यू नॉट आई बाई, इसमें डाउट है कि इसका पोल आ गया और डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अगर मान लो नीचे भी कोई ऐसा होता तो वो उसका भी म्यू नॉट आई बाई फोर आर बाई फोर आर एड होगी, ये देखो ना टू आर है ना, इसका आधा कट कितना है, इजी है, ओके। चलो अब ये बताओ, अगर हमने क्वार्टर है ठीक है, तो आई है यहाँ पे सेंटर में कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई एट आर, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या, पक्का समझ में आया, वो कितना एंगल बनाता है क्वार्टर वाला, 90 डिग्री, कितना एंगल बनाता, 90 डिग्री। अच्छा मैंने वायर लिया, सेंटर है, करंट आई है, ये एंगल थीटा है, तो बताओ बी की वैल्यू, रेडियस आ रहा है, एंगल थीटा है, सोचो सोचो कितना होगा, थीटा एंगल है, देखो थीटा अगर पाई में लिखा जाए, मैं बी को लिख रहा हूँ यार, म्यू नॉट आई बाई टू आर को लिख दो, हाँ सर्कल, बट ये कितना एंगल कम है, इसको ऐसे लिख दो पाई दो, ठीक है, कितना समझ में आ रहा है, हाँ क्लियर है, ये वैल्यू समझ में आई क्या। अच्छा अगर इसकी वैल्यू मैं 2π करूं, 2π तो कितना हो जाएगा ये 1, अगर इसको वैल्यू पाई करूं तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो दो हाफ कर दोगे तो 4 आर, पहले वाला रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर है क्या। तो इस पर आप रट लेंगे शॉर्ट नोट ना, अच्छा इसको ये भी हो सकता है, दिस कैन बी रिटन एज 4r 4πr, है ना, मल्टीप्लाई करके इसको 4πr लिख सकते हो, हो गया, सबका अटेंडेंस हो गया क्या, कोई रह गया, इधर आया नहीं, क्लास में पास किसी ने तो लिया था, अच्छा नहीं उधर पास कर दिया सरमुख, सरमुख बहुत बड़ा हो गया देख रहे हैं पंजाब, देख रहे हैं न्यूज़, देख रहे हैं
ना जो सिंह सिद्धू को चिंतेश्वर बनाने वाले लोग सिंधु सिंधु देखो सिंधु को कितने लोग जानते अभी सरकार में आता छाप लिए क्या देखो लाइन सुना हुई बात नहीं सुझा क्या हो गया आज की डेट में साइबर हाँ ठीक है प्रेजेंट होना अरे पीछे इतना डिस्कशन चल रहा है अटेंडेंस में छाप लिया गया ये चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बात नहीं इदम सर देखो ऐसा ये प्रॉब्लम है कितने लोग कर पाते कि एक ये रिंग है करंट आई फ्लो कर रहा है आई फ्लो कर रहा है ये आई फ्लो कर रहा है दिस इज ऑफ रेडियस आर दिस इज रेडियस टू आर फाइंड बी एट द सेंटर सेंटर पे बी निकालो आराम से निकालो ये आए दिस इज सेंटर सी फाइन
बी एट सेंटर सी। देखो ये सेमी इंफिनिट, ये भी सेमी इंफिनिट, ये वाला इसके लाइन पे नहीं लाइक करता, ये यहाँ पे कहीं पे लाइक करता है। तो तीन पार्ट है, एक दो तीन निकल रहा है। तीन पार्ट है स्क्वायर के, एक सेमी इंफिनिट पार्ट नीचे, एक सेमी इंफिनिट हॉरिजॉन्टल, फिर एक है जो सेमी सर्कल। बेंच पे बैठ जाओ, नहीं तो उसके आगे बैठ जाओ ना, वो छोटी वाली चेयर है उस पे बैठ जाओ।
दरवाजे के सामने ऐसे घुमा मतलब मूव बिल्कुल नहीं करना चाहता। अरे यहाँ ऐसे मूव करो ना, वहां मोड़ थोड़ी है, मूव करो उसको। जिम में जाते हैं, मेहनत करते हैं, क्या है साफ नहीं है तो ये हाँ मूव करो। इंस्ट्रक्टर को भेजोगे अरे क्या वो पेपर पर लगा के कुछ कर लो, साफ कर लो। एक पेपर दो, वही वाला पेपर दो उसको। चले ये हो गया ना, बिना बात किए ज्यादा फटाफट पेपर लेके बैठ जाओ उधर। दो रुमाल यूज कर लो, अच्छा अभी ये देखो। आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम दिया हो, 3D में दिया हुआ है, और ये सारे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको बुक्स में मिल जाएंगे। ये x है, ये y है, एंड दिस इज z, ठीक। और यहां से एक वायर दिया हुआ है, और ये वायर ऐसा जा रहा है, और फिर ये वायर वापस ऐसा जा रहा है। दिस इज करंट I, दिस इज करंट I, and this is current I। इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस इज कैपिटल R। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेटअप। Thank you.
यहाँ देखो ये बस हो गया शान बैठो अभी, ये वन ये टू ये थ्री, तो जो पी नेट होगा इंडिविजुअली वेक्टर एडिशन ऑफ पी वन प्लस पी टू एंड पी थ्री। पी वन कितना हो जाएगा, ये इसके थ्रू नीचे की तरफ होगा क्या, ये वायर इधर है, 3D समझ में आ रहा है कि नहीं, अंदर वायर जा रही है, अंदर वायर जा रही है, यहाँ पे C है तो इसके थ्रू नीचे की तरफ, तो क्या लिखेंगे उधर, एक्स वाई दिस इज जेड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई फोर पाई डी, डी कितना है आर, और सेमी इनफिनाइट है, ये सेमी इनफिनाइट है, सेमी इनफिनाइट है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे सीधा साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0, इसी की तरह तो है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप नहीं के कैप, जे होगा माइनस जे होगा। अच्छा फिर ये देखो इस रिंग का देखो, सॉरी ये सेमी सर्कल वन पार्ट का कितना होगा, ये म्यू नॉट आई बाय 4 आर, डायरेक्शन माइनस, डायरेक्शन चेंज हो गई भाई, ये माइनस जे कैप है, ये k कैप है, यहाँ पे सब कुछ क्या था k कैप के फॉर्म में था, प्लस बी थ्री की वजह से देखो बी थ्री किधर जा रही है, बाहर की तरफ जा रहा है, पॉइंट सी किधर है, इधर है लेफ्ट साइड में, तो इस पे किधर होगा, नीचे की तरफ, ये जो है इसको इमेजिन करो ये बाहर जा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे किधर होगा, ये करंट डायरेक्शन में था, यहाँ पे फिंगर्स को खोल दिया तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो कितनी वैल्यू होगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 1, डायरेक्शन इज, तो ये दोनों का क्या हो गया, ऐड हो गए और इसका कोई भी एडिशन नहीं होगा, तो बी नेट कितना रहेगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर माइनस जे का प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 आर माइनस, क्लियर है यहां तक सब, कितों का आ गया था, किसका आ गया, दोबारा नहीं है, वो इतना ओके। चलो अभी ये बुकलेट निकाल लो, ये पार्ट अपने कंप्लीट हो गए, सर्कुलर अर्कुलर कंप्लीट हो गए, सॉलिडाइड करना है इसके बाद, बायो सॉलिड सॉलिडाइड करते नहीं खत्म हो जाएगा, बायो सॉलिड खत्म हो जाएगा, तो आप ऐसे करिए पेज नंबर 4.7 क्वेश्चन नंबर 10 पेज 4.7 इंडेक्स एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो, ऐसा मिलता जुलता अपन ने किया है, ऑप्शन देखो, पहले एक बोल रहा है 0, एक बोल रहा है म्यू नॉट आई बाय 4 आर 1 1 आर 1 प्लस 1 आर 2, क्या होंगे दोनों के डायरेक्शन अलग, कौन सा बेस्ट आंसर है, बी, क्योंकि वहां पे म्यू नॉट आई बाय 4 आर 1 भी है, वहां पे 2 आर है, वो पूरा सेमी सर्कल की जगह जो डी ऑप्शन है वो किसका हो जाएगा, पूरे सर्कुलर लूप का, सेमी सर्कुलर लूप का कौन सा है आंसर, बी, कितों का आंसर बी, अच्छा आंसर बी आया 8 नंबर का जो भी आंसर दिए हुए हैं, हाँ ज्यादा सावधान जेड कैप इसका
गेट नंबर का सॉल्व करो। सबका ऐसे ही है, ऐसे ऐसे ऐसे
बस यहाँ पे करंट खत्म हो गया। If the total turns is capital N, find the magnetic field. Magnetic field at the center. आपको बताना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा। What would be the magnetic field at the center? अच्छा, एक सिंगल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सिंगल सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है? यू नॉट आई बाई टू आर, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे इतना पता चल रहा है कि अपन जो है बहुत सारी वायर्स है, टोटल कितनी टर्न्स है? एन टर्न्स है। अब एन टर्न्स है, अब ये थोड़ी बोलेगी यार एक रेडियस में एक टर्न। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपने को एक्सिस सेंटर से अपन क्या करेंगे, सेंटर से एक्सिस पे जाएंगे और डीएस डीएक्स थिकनेस का कितना, डीएक्स थिकनेस का एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये डीएक्स थ्रो ये ऐसा एक्सिस पे जाके dx एलिमेंट लेंगे जहां पे एक्चुअल में वायर्स हो। अच्छा, सेंटर से लेके कहां तक वायर नहीं है? ए तक। तो ये जो x है ये कहां से कहां होगा? ए से लेके b तक, जहां तक वायर है। अच्छा, ये dx एलिमेंट है। अच्छा, अब इसके अंदर कितने टर्न्स है? dx लेते हैं। अब dx के अंदर मान लो dn टर्न्स है, कितने टर्न्स है? देखो, अगर आपको बोले एक सेंटीमीटर में एक ही वायर आ रही, तो दो सेंटीमीटर में दो वायर आ जाएंगे, दस में दस। अब यहां पे तो ये दिया ही नहीं है कि पर यूनिट लेंथ कितने टर्न्स है, बस समझ आती पर यूनिट लेंथ कितने टर्न्स है। जैसे एक बेंच पे एक बच्चा बैठ सकता है, वो भी बेंच ऑक्यूपाई कर, एक बेंच पे चार बच्चे हैं, एक बेंच पे दस बच्चे हैं, क्या कोई है, बच्चे अलग हो सकते हैं। तो ये बहुत टाइटली अपन ने उसको बांध रखा है, टाइटली अपन ने लूप बना रखा है और उसकी थिकनेस अलग है। तो अपने को सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी टर्न्स आर देयर। क्यों? क्योंकि देखो, अगर dn लेट देयर आर dn टर्न्स, टोटल टर्न्स कितने, टोटल ये टर्न्स है, टोटल टर्न्स कैपिटल है। मैंने बोला लेट देयर आर dn टर्न्स इन dx लेंथ, dx लेंथ में कितने dn टर्न्स। अच्छा, एक टर्न में करंट कितना i, यहां से भी आई, टोटल कितने टर्न्स हुए, dn टर्न्स। तो टोटल करंट कितना हो गया, dn इनटू, तो जो dv होगा वो कितना होगा, mu नॉट, टोटल करंट कितना हो जाएगा, dn into i by 2x, डिस्टेंस कितना है, समझ में आएगा, ये एलिमेंट लेने आया। अच्छा, एक टर्न में करंट आई, दो टर्न में करंट 2i, तीन टर्न में dn टर्म्स में dn into i, ये बात समझ में। अच्छा, अब dn निकालना है, dn कितना होगा। अच्छा, जरा ध्यान से देखना, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, यहां पे टोटल 20,000 टन है, कितने हैं 20,000 टन है। तो कोई मुझे बता सकता है 1 सेंटीमीटर में कितने टन है, 5,000। समझ में आ रहा है क्या, कैसे किया, 20,000 टन कितने डिस्टेंस में, 4 सेंटीमीटर,
तो एक सेंटीमीटर में कितने है? 5000 टन्स। अच्छा ये देखो, ये लेंथ ए, ये लेंथ बी, कितने टन्स है टोटल? कैपिटल है, तो पर यूनिट लेंथ कितने टन्स हो? पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लोए एन वन ए माइनस, सॉरी बी माइनस ए, बी माइनस कितनों सन में? दिस इज टन्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज टन्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा पर यूनिट लेंथ में इतने टन्स है, पर यूनिट लेंथ में, तो dx लेंथ में कितने होंगे? n by b minus a into dx, निचे होता क्या? वापस देखो, 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में 20,000 टन है, तो पर यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? डिवाइड मार दी, लेंथ a है, लेंथ b है, उसके बीच में कैपिटल n टर्न्स है, तो पर यूनिट लेंथ क्या होगा? टेंशन ही निकाल लो, कितना है टोटल n, कैपिटल n, लेंथ कितना है b माइनस a, ये कितना होगा एक यूनिट में, तो dx में कितना होगा? दिस डेंसिटी, दिस डेंसिटी इनटू dx। अच्छा dn की वैल्यू कितनी है? ये आई, अब मैं इसमें क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो dB की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट i, व्हाट इज dn का वैल्यू? कैपिटल n b माइनस a इनटू dx बाय 2x, तो ये वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट i n 2 b माइनस a dx by x, पूरा निकालना है तो इंटीग्रेट कर dx का इंटीग्रेशन, ln x कहां से कहां? a से b, बहुत डिफिकल्ट जा रहा, दिस इज म्यू नॉट i n अपॉन 2 b माइनस a ln x, कहां से कहां? a से b, दिस इज mu naught I n upon 2 b minus a ln b by sub to advance it. थोड़ा सा टफ था है ना, ये तो ऐसा रोजड़ा मुंह बना रखी है, क्या सुबह सुबह मुंह दुखी नहीं है क्या? दुखी है ना, इस बार भी लगा के तो खुश रहा है, मास्क की वजह से बूटन होती है। अच्छा शनुक चश्मा भी तुमको किसका ढाप लिया? खिलौना है क्या ऐसे देते रहते हैं? नहीं भाई, कुछ चश्मा दिखा है तो भी लगा के देख, बस दिखता है इसमें काला काला। बीच में उधर किसान मूवमेंट चल रहा था,
आंदोलन चल रहा था, तो गाँव में बेचारे किसानों के पास कुछ होता नहीं है, वहाँ वो लोग सब मर्सिडीज से आ रहे हैं, अपने आंदोलन कर रहे हैं, तो जो जीप टाइप के पहाड़ से किधर से वाली गाड़ियों से आ रहे हैं, एकदम सब जो दादी भी होती हैं वो भी एकदम वो बहुत अच्छा किया, अगर आप फॉलो करते हो तो एकदम मतलब पिज्जा बर्गर मतलब आंदोलन के टाइम पे मिलता सब, काजू बादाम मिल रहे हैं, पैसा इतना सब लगा हुआ जाता है, बजट काफी रिच है, बट मेन जो है ना लैंड होंगी बहुत उपजाऊ है, प्लस बाहर जाने लग गए लोग मेजोरिटी कोई ना कोई तो कनाडा से चल रही है, कनाडा यूएस, और नहीं इस वजह से देखो आप भी अगर बाहर बाहर सेटल होते तो इतना फॉरेन एक्सचेंज वो सब रहता कि वहाँ का मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा कन्वर्ट हो जाता है। मेजोरिटी अपना जो पंजाब वाला पार्ट है वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला, तो कनाडा चला गया, कनाडा में तो रहते हो, जो ओरिजिनली पंजाब वाला पार्ट था, अब सुनो सुनो पंजाब पंजाब की जो बिफोर इंडिपेंडेंस अब होता भगत सिंह और ये सब लोग लाला लाजपत राय ये सब पंजाब से बिलोंग करते थे, तो पंजाब वॉज यूनाइटेड पंजाब, और जब यूनाइटेड पंजाब था तो उसकी जो कैपिटल थी वो थी लाहौर, लाहौर वॉज दी कैपिटल, अभी भी अगर देखो एक्चुअली पूरा हिस्ट्री रिलेटेड है, अगर आप गाने भी कभी पंजाब के सुनो ठीक है पंजाबी गाने लगती लाहौर की, तो पंजाब इंडिया को लाहौर का क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो पंजाब को सिग्निफाई कर रहा है, जो पॉलिटिकल कैपिटल है जैसा भी इंडिया है, इंडिया का पॉलिटिकल कैपिटल इज दिल्ली, तो कुछ भी हो दिल्ली का रेफरेंस आते ही है, यहाँ पे किसी को कुछ भी आंदोलन करना पड़ेगा क्या बोलेगा, चलो दिल्ली हम आंदोलन करना देंगे वहां पे, तो वैसे ही वहां पे जो अच्छे श्रीमंत लोग थे वो सब मेजोरिटी पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर में रहते हैं, बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया तो मेजर पार्ट जो है वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में जो उपजाऊ लैंड है ये सब, तो इसकी वजह से अभी भी आप जो पंजाब के गाने हैं पंजाबी सिंगर्स हैं उनका रेफरेंस जरूर कुछ ना कुछ लाहौर से मिलेगा, और इसका जो मेन करेंट फॉर्म में जो है जो पंजाब है वो तो खैर ये वाला एरिया तो है, पंजाब मीन्स लैंड बिटवीन फाइव रिवर्स पंजाब ठीक है, और इसमें इनिशियल में तो इनके गुरुदेव थे मतलब ठीक है 10 गुरु थे, फिर उन्होंने इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट वाले राजा थे उनका नाम सुन रखा है आपने, महाराजा रंजीत सिंह सुना है क्या, अब जब महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में था ना तो उस समय भी कैपिटल जो थी लाहौर ही थी, और जो रिलीजियस कैपिटल होता है ना जैसे अपना फाइनेंशियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, जो रिलीजनल जो स्पिरिचुअल कैपिटल दैट अमृतसर, तो उस समय पे लाहौर पे मतलब इन्हीं के राज था महाराणा रणजीत सिंह का, अब रणजीत सिंह ने जो ऑक्यूपाई बहुत एरिया किया ऊपर जा जाके जितना भी पाकिस्तान वाला एरिया है सिंध वाला ये सब, इवन कश्मीर भी रणजीत सिंह के अंडर में था जो कश्मीर पता है, तो उसमें क्या हुआ अफगान का जो रूलर था अब्दाली करके था, तो पहले बहुत पहले जब मुगल मुगल वाले जो थे मुगल एम्परर्स थे बादशाह थे, तो काफी कमजोर जो सही का आखिरी वाला जो कोई मजबूत जो लीडर था दैट वाज औरंगजेब, उसके बाद में सब निकले लोग थे, किसी को कुछ मतलब कुछ भी राज करने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, जो भी थे एकदम चिल मारने वाले, एक का नाम ही रंगीला था बादशाह रंगीला, बस काफी नहीं मस्त रहे, अब उसमें क्या हुआ अब्दाली आके भयंकर पीट के जाता था और पूरा दिल्ली लूट के जाता था, तो उस समय पे उसने कोहिनूर जो है वो बादशाह से चुरा लिया, कोहिनूर और एक पिकॉक थ्रोन है वो चुरा लिया अफगान वाले अब्दाली ने ठीक है, अब जब रणजीत सिंह का क्या हुआ, फिर दूसरे अफगानी जो उसका बेटा था वहां पे कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई और अफगान जो था उसका बादशाह था वो भाग के रणजीत सिंह के पास आया कि बोला देखो मेरी हेल्प कर दो, बोला क्या मिलेगा, बोले कोहिनूर देता है, तो वो कोहिनूर रणजीत सिंह ने ले लिया, फिर भाग के उसको वापस भेज दिया कि मैं हेल्प नहीं करूंगा तुम्हारी, तो फिर वापस भाग के अंग्रेजों के पास में, अब काफी 30 साल 35 साल तक रणजीत सिंह ने राज किया,
उसके बाद में उनके उनके मरने के बाद में उनके जो राजा है वो भी निठल्ले थे। जैसे अब देखो एक टाइम था नेहरू जी इंदिरा जी, अब निठल्ला गए उसका मतलब नहीं कुछ। तो ये ऑब्वियस है, लीडर कमजोर होगा सल्तनत गिर जाएगी। अब उस समय पे अकबर अकबर और बहुत पावरफुल मजबूत लीडर थे, और उसके बाद में सब आए कईयों को तो मतलब इतने इतने कमजोर थे ना उनके मंत्री उनको झपट मार देते, मंत्री मार देते क्या राजा बनेगा। और जितने भी थे और जितने भी बादशाह उसके बाद में दो से तीन को तो उनके मंत्रियों ने मरा दिया कि ये बहुत सही काम का नहीं है किसी और को चेंज मारो, तो मारने के लिए सॉरी चेंज करने के लिए मारना पड़ेगा तो मरा देते। तो बहुत कमजोर थे लेटेस्ट चेंज के जो मुगल लीडर्स थे बहुत। और फिर एरिया इतना हो गया था ना, छोटी सी दिल्ली रह गई थी, दिल्ली में राज कर रहे हैं और फिर भी बोलते थे हम भारत के बादशाह हैं, ठीक है दिल्ली के बादशाह, कुछ था नहीं मगर काफी हालत खराब हुई लेटेस्ट स्टेजेस में। आखिरी में एक बता था बहादुर शाह, बहादुर शाह को पेंशन दे दी और अंग्रेजों की पेंशन में जिंदा दे दी सर, और कभी पेंशन बंद हो जाती तो यहाँ से किसी को इंग्लैंड भेजते ये पेंशन दिलवा दो। तो राम मनोहर सॉरी राजा राम मोहन रॉय पता है, तो एक्चुअली उस समय पे जो मुगल बादशाह था ना उसकी पेंशन बंद कर दी थी जो गवर्नर थे यहाँ के, तो फिर उसने ये जो बंगाली जो थे राजा राम मोहन रॉय, तो नाम तो राम मोहन रॉय ही था बट उनको अच्छा पढ़ा लिखा अंग्रेजी जानने वाला उसको भेजा इंग्लैंड कि भैया पेंशन दिलवा दे, पेंशन दिलवा दी फिर आज से तुम राजा राजा राम मोहन रॉय। तो जो उपाधि थी वो इसके लिए दी थी ताकि उसकी जो मुगल एम्परर था उस समय पे उसकी वापस पेंशन आ जाए, पेंशन का क्या ये सब कॉन्सर्ट अंग्रेज लोग ही थे पेंशन वाला, पकड़ते थे किसी को भी कि भाई आज से तुम राजा नहीं, बोले मैं विरोध करूंगा, विरोध करने की कोई जरूरत नहीं यहाँ कुछ पड़े लोग पेंशन मिलती रहेगी। सेम सबके साथ यही किया यहाँ पे अपने महाराष्ट्र में भी हुआ, छत्रपति के उसको भी क्या किया बिठा दिया आराम से सातारा बैठ जाओ उछलना नहीं जाता पेंशन पे जिंदा रहो, पेंशन अच्छी मिलती थी काफी अच्छी मिलती थी 20-30 लाख मिल जाती थी साल की, तो बढ़िया लाइफ चल जाती थी। जब महाराजा भी है राजा भी है थोड़े बहुत घोड़सवार वो सब पाल रखे हैं कि भैया भाई सब चल रहा है, तो कभी विरोध नहीं किया क्योंकि अंग्रेज बहुत ज्यादा पावरफुल थे। चले ये तो पंजाब के रेफरेंस में आया कहीं और चला गया, ये हो गया क्या ठीक है 22 मिनट खत्म, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये हो गया क्या इंटीग्रेट किया ये एचसीवी में है ना। नेक्स्ट लिखो सोलेनोइड, नेक्स्ट लिखो बात नहीं इससे कभी पढ़ना होता अच्छी है मतलब अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स है। बस बस बात नहीं हाँ क्या हुआ बात नहीं बिल्कुल नहीं डालो सॉलिनॉइड, इसके बस आपको आंसर्स याद रखने फाइनल बी की जो वैल्यू है वो याद रखनी है। सॉलिनॉइड जो है कुछ ऐसा दिखाई देता जो स्प्रिंग है ना वैसे ही है सॉलिनॉइड। अब इसमें क्या होता है इसके अंदर ये क्लोजली पैक्ड होता है, क्या होता है क्लोजली पैक्ड होता है बहुत मतलब एक के बाद ऐसे, और इसके अंदर क्या करते हैं पर करंट इनको देते हैं कि भाई यार एक एंड से या तो यहां से करंट फ्लो कर दे। अच्छा सर ये बनाते कैसे बनाएंगे कैसे, अपन एक जो है पहले एक ऐसे कुछ सिलेंडर ले लो ठीक है, ये ऐसे होता है ना जो माध्यम होता है फिल्की होती है उसमें क्या होता है सिलेंडर टाइप रहता है, और फिर यहां से अपन ने स्टार्ट किया फिर इसके 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 ऐसे
और फिर फाइनली यहाँ से इस पर निकाल दो। तो ये क्या होता है, एक सपोर्ट के लिए, सपोर्ट हो गया फिर थोड़ा सा लूज तोड़ के फिर निकाल देंगे, फिर ये अपना बन जाएगा और फिर ऐसे होता है कि इसका शेप कॉन्स्टेंट हो जाता है। फिर दो तीन पॉइंट लिखो इस पर, इसका जो लेंथ है दैट इज स्मॉल l टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल n, बात नहीं बेटा, ये ऐसा है स्ट्रक्चर बना लो इसका, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन, कैपिटल एन, और ये लेंथ कितना है, स्मॉल एन, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, कैपिटल एन बाई स्मॉल, ये बना लिया था।
कुछ और पॉइंट्स लिख देते हैं आपको। अब उधर पॉइंट लिखो, वी टेक क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड, we observe that from the upper part, the current is outward and from the lower part the current is inward. we take an element at a distance of x, ये देखो यहां पे ये एक्सिस है, ये पहला एंगल बताया था थीटा टू है और ये थीटा वन, कहां से इस वाली एक्सिस है, ये थीटा टू और ये थीटा वन, हमने क्या किया ये अपना सेंटर रखा और यहां से कितना डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस, कितना लेंथ दिया dx, एक्स डिस्टेंस पे जाके कितना लेंथ दिया dx, ये अच्छा ये dx लिया। अब आप ध्यान से देखो ये जो है ये इसका रेडियस, ये क्या हो गया इसका रेडियस, ये डिस्टेंस कितना है, तो यहां पर tan थीटा की वैल्यू कितनी आई r / सही है क्या tan थीटा की वैल्यू। अच्छा अब ये मुझे बताओ ये लेंथ कितना है dx, अच्छा थोड़ी देर पहले हमने किया टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, अच्छा व्हाट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको अपन ने क्या बोला स्मॉल n। अच्छा अब मुझे बताओ कितने सारे टर्न dx लेंथ में आएंगे, लेंथ है एलिमेंट की dx, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएगा टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, अच्छा यानी इतने सारे टर्न्स इसके थ्रू आ गए। अच्छा अब आपको ये बताना है कि यार ये तो सारी रिंग्स हैं, अब ये रिंग्स पे यहाँ पे dB की वैल्यू कितनी होगी, ये रिंग्स है ये इतने थिक रिंग्स है, मुझे यहाँ पे निकालना है इधर ये डिस्टेंस कितना है इसका x, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा u नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, पावर कितना? अच्छा ये किसके वजह से होता? ये सिंगल रिंग की वजह से होता। अच्छा सिंगल, एक सिंगल करंट कैरिंग वायर, इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? इसमें टोटल टर्न्स कितने हैं? डीएन टर्न्स है। इसमें टोटल कितने टर्न्स है? ये एक की वजह से टोटल, एक टर्न की वजह से टोटल कितने टर्न? डीएन हो गए। तो यहां से वैल्यू कितनी आई? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 बाय 2, ये कितना हो जाएगा? दिस इज एन डीएक्स। बस समझ में आ रही क्या? अच्छा आप इसका ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या ऐसा करो आपके पास में यहां से एक वैल्यू है tan थीटा इज इक्वल्स टू r x है, ठीक है, या यहां से अपन लिख सकते हैं r की वैल्यू हो गई, सॉरी x की वैल्यू हो गई r by tan थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot थीटा। अब इसको जो है आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, पहले यहां पे छापो। अभी अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, अभी अपने को क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, क्या याद रखना है? फाइनल जो है थोड़ी देर में क्या अरे समझ में आएगा। एक वायर की वजह से इतना, टोटल कितने वायर्स हैं? डीएन नंबर ऑफ टर्न्स है, टर्न्स कितने? डीएन। तो अपने डीएन से मल्टीप्लाई कर दिया, फटाफट छापो इसको, जो पहले वाला प्रॉब्लम किया वैसे भी सही। अरे समझ में आएगा, फाइनल रिजल्ट याद रखना ये, तो बस समझाने के लिए। अब सुनो, बात सुनो बेटा, यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आई किसकी? x is equal to r cot थीटा। ऐसा करो इसको dx by d थीटा कर लो, ये तो r कॉमन और cot की वैल्यू कितनी आती? cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सही है क्या? ओके तो यहां से डीएक्स की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा, इतना आया। अच्छा अब एक है एक्स की वैल्यू कितना डाल सकता हूं? आर कॉट थीटा में, और अपने को जो भी डेरिवेटिव हो एक्स की जगह किस में कन्वर्ट करना है? थीटा में। तो यहां से जो डीवी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? डीवी इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डीएक्स को क्या लिख दो? माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे क्या है? टू टाइम्स आर स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर को क्या डाल दू? आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, पावर कितना है? 3/2। अच्छा ये देखो यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, नीचे क्या निकलेगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखो यहां से म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर तो ये आर क्यूब हो जाएगा क्या? माइनस आर क्यूब, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा एन डी थीटा। ये वाली वैल्यू देखो 2, यहां से आर स्क्वायर को बाहर निकालो तो पहले रूट होगा और फिर क्या होगा? क्यूब, और ये बनेगा कितना? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, पावर कितना? ये cot स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगी, नहीं? ओके तो यहां से अभी ये पार्ट यहां पे चलते छाप लिया है ना? ओके तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा cosec स्क्वायर में एक बार का रूट ले लेना, फिर क्या लेना है? क्यूब करना है। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी dv = माइनस म्यू नॉट आई,
ये आज के बाद दुकान को क्या आज के बाद दुकान भाई टू यहाँ पर ऊपर क्या है कोसाइन स्क्वायर थीटा ये एन को इधर ला दो यहाँ पे मिलेगा कितना कोसाइन स्क्वायर थीटा तो रूट लेंगे कोसाइन स्क्वायर फिर क्यूब लेंगे फिर कितना है कोसाइन स्क्वायर सॉरी क्यूब थीटा डी थीटा कट गया क्या तो सिर्फ एक बचा क्या उसको ऊपर ले जाओ अरे कितना बढ़िया हो गया कोसाइन थीटा हो और डी थीटा इंटीग्रेट करना है कहाँ से डीवी है इसमें इंटीग्रेट मार इसको इंटीग्रेट मारा तो यू नॉट एन आई ये तो बाहर निकल गया साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो प्लस कर दोगे माइनस माइनस तो म्यू नॉट एन आई बाय टू ये कॉस थीटा कहां से कहां थीटा टू से थीटा वन तो एक वैल्यू कितने म्यू नॉट एन आई बाय टू cos theta 1 minus cos theta 2 what is this this is b inside a finite solenoid what is this this is b inside a finite solenoid this is b ab ye dekho ye theta 1 aur theta 2 apne same direction mein measure kiya tha pehle wala jo angle tha wo kitna tha beta theta 2 tha na और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल था थीटा वन तो इस वजह से फाइनल थीटा वन इनिशियल थीटा टू तो दिस इज बी ड्यू टू फाइनाइट सॉलिड प्लीज इसको याद रखना अपने को ये बी किसकी वजह से है फाइनाइट सॉलिड फाइनाइट सॉलिड बी ड्यू टू
इनफिनाइट सोलेनोइड कितना होगा? और सुनो, सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ज्यादा ये माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिजल्ट। अच्छा, और सबसे ज्यादा क्या, जो इनफिनाइट रहता है उसका रिजल्ट याद रखना है। अच्छा, इनफिनाइट रिलेटिव टर्म है ना, इनफिनाइट जैसी चीज नहीं होती, रिलेटिव टर्म में होती है। अब रिलेटिव टर्म में क्या होगी कि आपका जो सोलेनोइड बड़ा है और उसका जो रेडियस है बहुत छोटा है, तो इनफिनाइट सोलेनोइड हो गया अंदर के पॉइंट्स के लिए। तो सेकंड जो है दैट इज इनफिनाइट बाद में सोलेनोइड, इनफिनाइट सोलेनोइड के लिए थीटा 2 कितना हो जाएगा? 0। थीटा 2 कितना? 0 डिग्री। थीटा 1 180 डिग्री। अरे ये देखो, इधर देखो, ये थीटा 2, थीटा 2 इंफिनिटी जाने के लिए 0, और यहां पे थीटा 1 कर दो, ये इंफिनिटी जा रहा है इंफिनिटी, तो ये कितना जाएगा? ये तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और थीटा 2 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट एन आई बाय 2, ये कितना है? कॉस 180 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री माइनस, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? कॉस 0 डिग्री नेगेटिव है, तो ऊपर नीचे कर लेते हैं, एन आई बाई 2 ये कितना होगा? माइनस 1, और ये कितना, वैल्यू कितनी हुई, कितना हुआ ये? म्यू नॉट एन आई, जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? म्यू नॉट एन आई। क्या वेरिएबल है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये क्या है? कांस्टेंट है। जितना देखो, एक सोलेनोइड में जो B है वो क्या रहा है? एक कांस्टेंट वैल्यू, कितनी वैल्यू आ रही है? म्यू नॉट एन आई, कांस्टेंट, म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है? करेक्ट। तो इनसाइड एन इनफिनाइट सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू अगर आई फिक्स कर दो, और एक अगर आपने सोलेनोइड बना दिया तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, लेंथ फिक्स है, तो उसका बी कितना हो जाता है? एक कांस्टेंट वैल्यू। आपने इसमें माइनस मॉड ले लिया, माइनस साइन ऊपर नीचे किया है मैंने कभी, थीटा 1, मैंने एंगल पहले वाला थीटा 2 लिया था ना, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात है, मैग्नीट्यूड तो ये है, मैग्नीट्यूड यही है, ये देख लो थीटा 2 से लेके थीटा 1 सही है, ये वाला भी सही है। अपन ने साटी कितनी करी है? थीटा 2 से लेके थीटा 1, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई, इसको लिख लो, ये आइडियल केस है। यह आइडियल केस है, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है अंदर, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। पॉइंट लिख लो, चलो पढ़ो। Its value is mu naught ni.
इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट एनआई होती है। अच्छा अगर आपको बोले कि यार ये थ्रू आउट जो है, देखो ये सोलेनोइड की वजह से, अच्छा करंट जो है कैसे फ्लो कर रहा होगा, देखो इधर अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इधर की तरफ बाहर फिर अंदर, तो इसका जो थंब है सारी रिंग्स ऐसी है, थंब किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, तो जो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ये कौन सी है वायर, ये जो है सोलेनोइड, जो सोलेनोइड है वो कैसा है, आइडियल सोलेनोइड या इन्फिनिट सोलेनोइड, यहाँ पे बी जो है दैट इज म्यू नॉट एन आई, कहाँ पे डायरेक्शन होगा, अगर करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो इसका अंदर बी क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, ये अंदर की बात। अच्छा अगर आपसे कोई बोले कि यार जो एज है एज वहां पे कितना होगा, जैसे ये सोलेनोइड था ना, ये सोलेनोइड है, आपसे बोले कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है जस्ट इसका कॉर्नर है, यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, देखो एकदम सिंपल है, जो सेमी इनफिनाइट सॉरी जो फाइनाइट आया था उसमें क्या आया था, यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कॉस थीटा वन एंड कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू है। अच्छा थीटा वन था या थीटा टू, वापस देखो है, थीटा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू है। अच्छा अब ये वाला है, ये वाली बात हो गई कि यार एच पे कितना होगा, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कुछ होगा और ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना है 90 डिग्री, और ये वाला मान लो इनफिनिट है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इनफिनिट है तो एक थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, थीटा टू की कितने 0 डिग्री, इन्फिनिटी पे है ना, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी एंड बी कॉर्नर, कॉर्नर पे आइडियल के लिए कितनी आ जाएगी, यू नॉट एन आई बाई टू, ये कितना है 0, कॉस 0 डिग्री ना, माइनस ऑफ 1 कितना हुआ, यू नॉट एन आई बाई टू, तो जो अंदर होती है वो एजेस या कॉर्नर पे कितनी हो जाती है, उससे हाफ, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हाफ, और ये है क्या, एक एंड है और एक इस साइड पूरा क्या है इनफिनिट, तो जो भी एंगल है उसकी भी यहाँ पे भी आपको आ जाएगा, बट मैं बता रहा हूँ कि इनफिनिट इनफिनिट सोलेनोइड है उसके एज पे बी की वैल्यू, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना आता है नॉट नाइन बाई, ये रोज पानी डालते आते हैं बस, दीपक भी आए क्या, दीपक किधर रहते हैं, खुले में रह रहे क्या, कभी आओ ऑफिस में, आज ऑफिस में मिल लेना है, नहीं उस साइन का मैंने ऊपर नीचे किया है, वो कॉस वाले भी जो आया था ना उसमें डायरेक्शन वही रही, जो अपन ने किया है ना राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन वही रही, कुछ मैंने ना कॉस थीटा टू कॉस थीटा वन ऊपर नीचे किया, मैग्नीट्यूड समझ में आएगा, मैग्नीट्यूड कितना है म्यू नॉट एन आई बाई टू, एजेस पे अंदर आइडियल है तो कितना होगा म्यू नॉट एन आई थीटा वैल्यू, तो इसी तरह अपना सोलेनोइड कंप्लीट, 5 मिनट पानी वाली पी लो फिर 1 घंटा और करते हैं।